किसान महोत्सव में हमारे बीच में पधारे, भारत सरकार के किसान कल्याण मंत्री जिन्होंने किसानों के परंपरागत खेती के साथ नई आधुनिक खेती करने में एक नई दिशा दी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस देश के किसानों को कैसे आर्थिक रूप से सशक्त किया जाए, मजबूत किया जाए और हिंदुस्तान के अगर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखनी है तो इन किसान साथियों के बलबूते पर रख सकते हैं। माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर कोटा में आए हैं, इस हाड़ौती की धरती पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं विशेष रूप से माननीय तोमर साहब को धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली के बाद पहली बार यहां पर किसान महोत्सव प्रशिक्षण केंद्र के रूप में ये किसान महोत्सव उन्होंने आयोजन कराया। मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से हाड़ौती इलाका वो क्षेत्र है जहां पर्याप्त पानी है, क्योंकि तोमर साहब भी चंबल नगरी की घाटियों से आते हैं, मुरैना शोपुर लोकसभा जो हमारे नजदीक है वहां का नेतृत्व करते हैं, जिन्होंने ग्वालियर का नेतृत्व किया और चंबल नदी की महत्ता को जानते हैं। चंबल हो, पार्वती हो, काली सिंध हो, इस नदियों का पानी और यहां की मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी से हम देश के किसानों की आर्थिक प्रगति में उनकी आधुनिक खेती नवाचार के अंदर एक नया इतिहास लिख सकता है हाड़ौती का किसान। और इसीलिए दो दिवसीय इस कार्यक्रम में आपने देखा होगा किस तरीके से या किस किसानों की जैविक खेती के बारे में, परंपरागत खेती के बारे में और उसके साथ साथ किस तरीके से नवाचार कर आधुनिक खेती के माध्यम से हम ज्यादा उत्पादन, कम लागत, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और उसका वैल्यू एडिशन कर किस तरीके से देश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। और इसीलिए इस दो दिवसीय इस महोत्सव में आप जब जाएंगे स्टॉल पर देखेंगे किस तरीके से भारत ने नवाचार किया है, हमारे नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया सोच, नया चिंतन, नया इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से नए स्टार्टअप शुरू कर उन्होंने किस तरीके से किसान की उपज को बढ़ाने का काम किया, उसका वैल्यू एडिशन करने का काम किया। और मैंने प्रदर्शनी में देखा है किस तरीके से उन्होंने किसान का, चाहे दाल हो, चाहे हमारे मोटे अनाज हो, चाहे फलोद्यान हो, चाहे जड़ी बूटियां हो, हर छोटी चीज का उपयोग कर उसका वैल्यू एडिशन कर किस तरीके से किसान की आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। और इन्हीं किसानों के स्टार्टअप के माध्यम से, नवचारों के माध्यम से इस हाड़ौती के किसानों की जिंदगी को बेहतर करने का काम करेंगे। हम परंपरागत खेती करते हैं लेकिन परंपरागत खेती के साथ साथ हमें नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा, नए नवाचारों का उपयोग करना पड़ेगा, हमारी लागत को कम करने के लिए
जो नए इनोवेशन हुए हैं उसका उपयोग करना पड़ेगा। अभी किसान पूछ ही सकता है, किसान बदलाव करना बहुत मुश्किल कठिन काम होता है, लेकिन मुझे हाड़ौती के किसानों पर विश्वास है, बदलाव होगा तो इसी हाड़ौती की धरती से होगा और ये किसान भाई बदलाव करके दिखाएंगे। इसलिए हमें बदलाव करना है खेती के नए तरीके पे। अब किसान का बेटा किसी सेठ साहूकार की नौकरी नहीं करेगा, अब किसान का बेटा गांव के अंदर रहकर उस खेती को मुनाफे का व्यापार उद्योग बनाकर दुनिया को बताने का काम करेगा। और मेरा यही सपना है, जब मैं गांव में जाता हूं तो पढ़े लिखे किसानों के नौजवान युवाओं को देखता हूं, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, क्यों नहीं दुनिया और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उस परिवर्तन को हम कुछ खेतों में कर दिखे, अगर उसके परिणाम ठीक आते हैं, इसकी आवाज बंद करना, उसके अगर रिजल्ट ठीक आते हैं तो उस परिणाम और रिजल्ट को देखने के बाद किसान दूसरी खेती में करेगा। आप चले जाओ हाड़ौती के आसपास के कई गांवों के अंदर, जिन लोगों ने अमरूद लगाने का काम किया, नींबू लगाने का काम किया, अभी आगे भवानी मंडी के आसपास के इलाके में चले जाओ तो वहां का संतरा नागपुर के संतरे से भी बढ़िया संतरा होता है। और इसलिए कई सारी चीजें हैं, इनका कैसे उपयोग कर सकते हैं। मुझे कई किसान कहते हैं कि हम एक बीघा के अंदर 30 से 40 हजार रुपया अमरूदों में कमाते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मैंने खेत पर जाकर देखा है किस तरीके से अमरूद उगाकर जो साधारण खेती थी उसकी नई क्वालिटी के आधार पर किस तरीके से, कल मैंने देखा कि एक छोटे नींबू बिना बीज के उन नींबू की साइज देखकर मुझे लगा कि अगर किसान उन अमरूद आम बहुत तरह के आम आपने देखे होंगे लगाने के, गिरधरपुरा का किसान दुनिया के अंदर अपने आम को बेचता है, वो नींबू के पेड़ जो 50 रुपए में आते हैं आप उसकी चिंता मत करो। मैं पिछली बार भी कहा था कि हर विधानसभा 1 लाख पौधे आपको जन सहयोग से दिलाएंगे, आप पौधे करने का काम करो। आप मेड़ पर फसल के साथ साथ फलोद्यान करने का काम करो, उस फल का उपयोग यहां पर प्रदर्शनी में आप देखेंगे किस तरीके के आंवले के बहुत सारे उपयोग करने का काम किया है, नींबू का बहुत सारा उपयोग किया है, हमारे यहां जामुन बहुत होते हैं, जामुन की गुठली का उपयोग, जामुन का खुद का उपयोग, उसके बाद कम से कम 1000 दिन तक उस जामुन के निकाले हुए रस को प्रिजर्व करने का काम यहां पर किया है। यहां पर अभी केसराय पाटन में प्लांट लगने वाला है, बूंदी में प्लांट लगने वाला है, हम सब्जी का बड़ा उत्पादन इस हाड़ौती को बना सकते हैं। आने वाले समय के अंदर कोटा से बंबई 8 घंटे, कोटा से दिल्ली 4.5 घंटे, कोटा से ग्वालियर 3 घंटे, कोटा से मुरैना 2.5 घंटे और कोटा से इलाहाबाद तक 7 घंटे के अंदर किसान अपनी आमदनी को बेच सकता है। प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से रेल चलाई, किसान रेल, जिसके किसान रेल के अंदर एयर कंडीशन है, चलता फिरता कोल्ड स्टोरेज है, जिसके माध्यम से हम आने वाले समय में आप इतनी सब्जी करने लग जाओ, इतना दूध करने लग जाओ कि कोटा से दिल्ली, कोटा से बंबई कोल्ड स्टोरेज की तरह रेल चले और हाड़ौती के किसानों की जिंदगियों को बदलने का काम करें। इसलिए साथियों, हमें किसान खेती के अंदर, किसान खेती के साथ फलोद्यान के अंदर, फलोद्यान के साथ जड़ी बूटियों के अंदर, अभी तोमर साहब हम आ रहे थे तो कई लोगों ने लगाया, मैंने कहा क्या है, उन्हें कहा हर जड़ी बूटी की अलग लक्षण और दुनिया के अंदर उसकी मांग है, हर जड़ी बूटी का उपयोग यहां पर हमें करना है, नई जड़ी बूटियां उपयोग करनी है। आने वाला समय दुनिया के अंदर आयुर्वेद का होगा और आयुर्वेद के लिए जड़ी बूटी से बनी दवाई ही बिना साइड इफेक्ट के आधार पर लोगों को इलाज करने का काम करेगी।
इसलिए मेरा आग्रह आप लोगों से कि दो दिन तक आप यहां पर बात करें, किसान कभी पेस्टिसाइड का ज्यादा उपयोग नहीं करें, कम पेस्टिसाइड का उपयोग करें, कम फर्टिलाइजर का उपयोग करें। हमें मिट्टी बचानी है, ये मिट्टी हमारी धरती मां है, हमारी पीढ़ियों तक मिट्टी का संरक्षण रहे इसकी जिम्मेदारी भी हम सब की है। इसलिए मिट्टी कैसे बच सकती है इसके लिए भी आप यहां पर देख के जाएं, और हर मिट्टी की जांच के बाद जितनी आवश्यकता हो उस तरीके का फर्टिलाइजर डाले। मेरा दावा है, मैं दोनों फर्टिलाइजर कंपनियों से भी बात की है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी बात की है, हर खेत के अंदर मिट्टी जांच आपकी निःशुल्क होगी, चलती फिरती वाहन हर गांव में पहुंचेगा, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करेगा, उसके आधार पर आप फर्टिलाइजर का उपयोग करें। क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है तोमर साहब, चंबल नदी के किनारे, इसलिए पानी का उपयोग ज्यादा करने से कोई ज्यादा उत्पादन नहीं होता, कम पानी का उपयोग। ये ड्रोन है, ये ड्रोन से आपका पानी का कम उपयोग होगा। अगर आपके कोई बीमारी लग जाएगी तो ड्रोन देखेगा किस पत्ती पर कौन सी बीमारी लगी है, और ये ड्रोन उसी पत्ती पर जहां पर आवश्यकता होगी कीड़ा वहीं पेस्टिसाइड डालेगा, पूरे खेत पर पेस्टिसाइड नहीं डालेगा। दुनिया बदल गई है जी, अब दुनिया बदल गई तो हमें बदलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी लगी तो पूरे खेत पर पेस्टिसाइड कर दी। आने वाले समय के अंदर आप सब लोग साथ खड़े रहे, इस बार एक तहसील के अंदर एक ड्रोन देंगे, आने वाले समय के अंदर हर पंचायत में एक ड्रोन किसानों के पास रहेगा, और वह ड्रोन जाएगा उसकी जांच करेगा कौन सी बीमारी लगी है, वही पेस्टिसाइड डालेगा, ताकि कम पेस्टिसाइड डले, ताकि पेस्टिसाइड के कारण जो लोग रोज मौतें हो रही है वो हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मैं पुनः आज माननीय तोमर साहब को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक हाड़ौती से नई शुरुआत की है, किसान की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। और हमारा सपना यही है कि जब तक देश का किसान आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगा, हम भारत के आर्थिक तंत्र को बदल नहीं सकते। दुनिया के अंदर और भारत के अंदर जब कुछ भी बदला है तो भारत के किसानों ने बदला है, भारत के नौजवानों ने पलटा है, और ये भारत के किसान ही नए आर्थिक युग की शुरुआत कर सकते हैं। नए भारत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत भारत का किसान है, हाड़ौती का किसान है, और ये हम सबको करके दिखाना है। पुनः तोमर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।